स्वागत है दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। मैं और साहिल भाई हम लोग जा रहे हैं अब लाला बागान की तरफ। और आपने अगर दक्षिण दारी का जो पंडाल है वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट करो। ये रहा लिंक पिछले ब्लॉग का और ये एपिसोड 5 है ना, 4 या 5 है, मैं खुद भूल गया इतना एपिसोड बना लिया। इस एपिसोड में आपको मैं लेकर जाऊंगा लाला बागान, जो कि नॉर्थ कोलकाता का एक दुर्गा पंडाल है। और चलिए चलते हैं वहाँ पर दोस्तों। भाई का कैंप अप ही ना हो जाए तो चल रहे हैं। भाई क्या पी रहा है? कैंपा। ये क्या लिखा है भाई, 50 ईयर्स ऑफ कैंपा? 5 महीने से कैंपा को जानता हूँ मैं, 50 साल कब हो गया मेरे को खुद नहीं पता। इतने दिन से तो हम लोग सिर्फ थम्स अप और यही पी रहे थे, है ना? नहीं, ML ज्यादा है ना, 500 ML दिया है, मैं इसीलिए लिया, वरना घंटा लेता मैं। जल मतलब 500 ML इसलिए क्या, जल्दी 50 साल हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स भूसे मत फेंकना गाड़ी में मेरा। देखो यार टैटू अच्छा लग रहा है, द आर्टिस्ट। वाह, रैप सुन लेना। रैप भाई ने गाया है पिछले वीडियो पे, तो उस वीडियो को जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, चेकआउट कर लेना। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शैज एक्स। तू ही बोल दे। बोल तो दिया इस ब्लॉग अंत में बोलूंगा ना मैं, हर बार स्टार्टिंग में क्यों बोलूंगा, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहिए, अंत में बोलना चाहिए। ठीक है, हाइप बना रहे। वेलकम टू कोलकाता, और मैं आपको लेकर आ चुका हूँ प्री पैंडल हॉपिंग ब्लॉग में, जहाँ पर मैं आपको वो पंडाल लेकर जाऊंगा घुमाने जो आपने अभी तक तो शायद नहीं देखा होगा। बड़ा या छोटा मोटा जैसा भी पंडाल हो, हमने हर तरह का पंडाल को कवर किया है और इंटरव्यू लिया है और पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। कार्तिक जी का अभी भी चेहरा नहीं लगा है आप देख सकते हो, और अभी काम चल रहा है यहाँ पर, तो तैयार हो जाएगा बहुत ही जल्दी, हमें देखने को मिल जाएगा। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं लाला बागान, और लाला बागान का ये जो पंडाल है जहाँ पर जानते हैं हम सभी कि यहाँ पे 8,000 पेड़ लगाए गए हैं, और ये मतलब एक गो ग्रीन का सिंबल दे रहा है ना भाई, कि ग्रीनरी फैलाओ क्योंकि ये सिटी ऑफ जॉय है, यहाँ पे ग्रीनरी होना चाहिए। और देखो मेरे पीछे आप देख सकते हो पंडाल है, और आपको डिटेलिंग में इस पंडाल को दिखाएंगे सिर्फ हम दोनों। सब्सक्राइब कर लो भाई का चैनल सैज एक्स। भाई आप जेल में सुरंग काम चल रहा है अभी। आठ हजार सच में? आपने गिनती किया? लोग खुद बोल रहा है, जो इसका क्लब का मेंबर जो है उनको पूछिए, मेरे को क्या पूछना है। उसके बाद आप लोग मोबाइल पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे इस पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम अच्छा फेसबुक में दे दीजिए, नवांगो की एक क्लब आ जाने, नवांगो की एक क्लब इसके अंदर क्यों गया? अलाउड है ना, इसलिए हम रिकॉर्ड कर मेरे तो गाइज हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साहिल भाई कुछ करो, हम लोग अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन हमारा कैमरा अंदर, कैमरा अंदर जाएगा क्योंकि साहिल के जान पहचान है अंकल से। जान पहचान है मतलब वो मेरे को जानते हैं। सब बहुत फेमस है बंदा, कहीं भी हाथ फैला लेता है, फैला हुआ बिजनेस है। सो ये पैंडल के बारे में जो है, ये आप थोड़ा सा बताइए इसका क्या फीस, मतलब क्या, मतलब इसका मेन अट्रैक्शन क्या है? আমরা লালাবাগান নবাঙ্কুর, আমাদের এটা 65তম বর্ষ, আমাদের শিল্পী প্রশান্ত পাল। আমরা যখন এবছরের দুর্গাপুজো নিয়ে ভাবছিলাম, ক্লাব সদস্যরা এবং শিল্পী আলোচনাতে উঠে আসে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ব্যাপার, তো সে সময় শিল্পী তার একটা কল্পনার কথা বলে যে গাছ দিয়ে যদি করি কেমন হয়। তা আমরা ক্লাবের সদস্যরা সবাই মিলে শিল্পীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই এবং বলি আমরা একমত, আপনি গাছ দিয়ে করুন। তো আজকে আপনি দেখবেন কিছুদিন আগে
উত্তরাখণ্ড থেকে শুরু করে সিকিম, দার্জিলিং বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ি অঞ্চল ভেঙে পড়ছে, অপরিকল্পিতভাবে গাছ কাটা হয়েছে পৃথিবীতে, দূষণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। আমরা বলছি গাছ বাঁচাও প্রাণ বাঁচাও তা না, আমরা বলছি গাছকে সন্তানের মতো লালন পালন করো, তাহলে আগামী প্রজন্ম এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাস করতে পারবে। আরো একটা কথা আপনাদের ইউটিউবের মাধ্যমে বলতে চাই, 2024 পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড উইনার দুখু মাঝি, যিনি পুরুলিয়া থেকে 60 কিলোমিটার দূরে থাকেন, এই গাছ লাগিয়েই তো উনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন। আগামী 6 তারিখ আমাদের এই মাতৃমণ্ডপের উদ্বোধন হবে, উনি এসে উদ্বোধন করবেন। 8,000 গাছ দিয়ে আমাদের এই প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে, বহু কষ্ট, প্রায় 17-18 মাসের পরিশ্রম। এটা 4-5টা গাছ বাড়িতে থাকলেই তাকে লালন পালন করতে কষ্ট হয়, এই 8,000 গাছকে আমরা রেখেছি, আমাদের শিল্পী রেখেছে, ক্লাব মেম্বাররা দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। আমাদের একটাই বার্তা, গাছের জন্য তুমি জীবন দাও, গাছের জীবন নিও না, গাছ যদি বেঁচে থাকে পৃথিবী সুন্দর সুস্থভাবে থাকবে। ভালো, তোমার মেসেজগুলো না ভালো, তুমি তো তোমার থটও ভালো, থিঙ্কিংও ভালো, কনসেপ্টও ভালো। তো ওপেনিং কখন দিতে সেটা একটু বলে দিন। 6 অক্টোবর সন্ধ্যে 7টায়। 6 অক্টোবর সন্ধ্যে 7টার সময়, মানে ওই সময় সবাই এসে, মানে দুখু মাঝি পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড উইনার উনি ওপেন করবেন, উনি গাছ লাগিয়েছেন 50,000 একা একা হাতে, মানে যেখানে ফাঁকা জায়গা দেখছেন উনি গাছ লাগিয়ে দিচ্ছেন। ভারত সরকার ওনাকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়েছে, আমাদের এই প্রজেক্ট শুনে উনি খুশি হয়েছেন, এই জন্যে উনি আসছে এখানে ওপেনিং সেরিমনিতে। বাহ, ভালো, থ্যাংক ইউ তোমার ইন্টারভিউর জন্য, আমরা আসবো আবার। আসুন, আপনি রাত্রে আসলেই করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে ওকে, আমাদের ফ্লোরের কাজটা হচ্ছে তো, ফিনিশ হবে না প্যান্ডেল, মুরগির পেটি প্যান্ডেল ফিনিশ হবে না। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবেন। गाइज, इस एपिसोड को हम अब यहीं एंड करेंगे, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा जितना से हो सके शेयर करो दोस्तों को और सबको, और भाई जैसा कि आपने देखा कि 6 तारीख से पैंडल ओपनिंग है, तो आ जाना भाई, भाई मज़ेदार है, मज़ा आ गया भाई देख के। तो मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, प्री पैंडल शॉपिंग के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को।